हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आधार का जो नंबर है, आधार में जो मोबाइल लिंक रहता है वो कैसे जानेंगे, वो आप देखने वाले हैं इस वीडियो में। बहुत लोगों को अपना आधार नंबर पता नहीं होता है, मतलब आधार में जुटा हुआ नंबर पता नहीं होता है, जिससे वो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते, जैसे कि सहारा में अभी नहीं भर पा रहे हैं जो फॉर्म, और अगर उसको कुछ अपडेट करना रहता है वो भी नहीं कर सकते हैं, डाउनलोड नहीं कर पाते हैं आधार को। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, पहले आप गूगल में जाएंगे, UIDAI का वेबसाइट खोलेंगे। तो UIDAI का वेबसाइट अगर खोलेंगे तो इस तरह से खुलेगा, वेलकम लिखा हुआ है उसके नीचे, और लिंक है उसमें, अगर खोजेंगे तो डायरेक्ट जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे लॉगिन करने वाली जगह में। लेकिन मैं डायरेक्ट इसको नहीं बता रहा हूँ फ़िलहाल ही, इसको मैं इस तरह से खोला, और अंदर जाने के बाद कोई भी चीज़ लिंक करेंगे ना वो वाला पेज में खोल देगा लॉगिन करने वाले में। ठीक है, तो आधार डाउनलोड वाले में मैंने क्लिक किया ऊपर से, और आपको दिख रहा होगा आधार डाउनलोड, देखिए लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, और नीचे में अगर जाएंगे तो बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। तो आपको जाना है इसमें मोबाइल नंबर पता करने के लिए, कौन सा मोबाइल नंबर है, तो उसमें जाने के लिए, पता करने के लिए आपको जाना पड़ेगा आधार वैलिडिटी में, चेक आधार वैलिडिटी जो लिखा हुआ उसमें क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको आधार नंबर एंटर करना है। ठीक है, तो आधार नंबर इस तरह से एंटर होगा, ये यह देखिए यहाँ पर आधार नंबर लिखा हुआ आ रहा है और नीचे कैप्चा है। तो आधार नंबर जो आपका है वो आप आधार कार्ड में अगर है तो वो आप देख के यहाँ डालिए, जो भी आपका आधार नंबर है। तो ये देखिए इस प्रकार से आधार नंबर यहाँ पे डालना होगा, 110 जो भी है मेरा है ये, तो मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये डाल देंगे, उसके बाद कैप्चा अगर आप इन करेंगे तो कैप्चा अगर आपको यहाँ चेंज करना है तो बगल में चेंज कर सकते हैं क्लिक कर करके वहाँ से। और देखिए इसमें मेरा जो कैप्चा है Q3J छोटा X बड़ा Q और T है, तो उसमें क्लिक करके आप प्रोसीड करेंगे तो वो आगे बढ़ेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए अब ये आधार वाले में, मतलब मेरा आधार नंबर दिख रहा है तो उसको मैंने हाइड कर दिया, और देखिए इसमें लिखा हुआ दिस आधार नंबर रिक्वायर्स डॉक्यूमेंट अपडेट प्रूफ। ठीक है, तो मतलब इसमें आपको आधार ये नंबर तो दिख रहा है, लेकिन लास्ट का 3 डिजिट दिखेगा, तो अगर आपके पास में वो नंबर मौजूद है जिसमें लास्ट में 3 डिजिट है, जैसे मेरा में 717 है, तो है अगर मौजूद तो उसमें OTP आएगा, नहीं है तो आपको चेंज कराना पड़ेगा जाकर आधार सेंटर में। और देखिए नीचे में आधार नंबर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट प्रूफ, तो ये आपको प्रूफ जो है इसको अपडेट करना होगा। ठीक है, तो इसको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये नया अपडेट प्रोसेस हो रहा है, तो इसमें लिखा हुआ आएगा तो मतलब आपको अपडेट करना है, नहीं लिखा हुआ तो नहीं करना है। बाद में हो सकता है आपको मैसेज भी आए कि हाँ करना है, तब उसमें यहाँ पर शो करने लगेगा। और ऊपर देखिए मैंने अपना आधार नंबर वो हाइड करके रखा हुआ, तो ये मैं सोचेगा कि क्या लिखा हुआ, तो मैंने आधार नंबर लिखा हुआ एग्जिस्ट लिखा हुआ, मतलब कि ये आधार नंबर एग्जिस्ट करता है भाई, और ये झारखंड का नंबर है और ये मेल है, और 20 से 30 ईयर का एंड बैंड है इसका, एज बैंड है। और नीचे में देखिए ये जो आधार रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट प्रूफ अपडेट करने का ऑप्शन है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आज मैंने आपको नंबर के बारे में बताया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और मतलब समझ में अगर आपको आ गया होगा कि मोबाइल नंबर कैसे निकालना है, तो आपको मोबाइल नंबर निकल गया, अब लॉगिन करके आपको जो करना है कर सकते हैं, ये आधार नंबर कैसे अपडेट करना है वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ।